क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। एमएस धोनी ने अपने खेल से देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना ली है, और जैसे ही कोई धोनी को रिटायरमेंट की सलाह देता है तो वो हर तरफ से आलोचनाओं का शिकार हो जाता है। अब सुनील गावस्कर ने भी एक टीवी डिबेट में धोनी को रिटायरमेंट की सलाह दे दी, जिसके बाद तो गावस्कर की हर तरफ खिंचाई हो रही है। अब तक भारत के ही क्रिकेटर गावस्कर को सुना रहे थे, मगर अब देश के बाहर से भी धोनी को समर्थन मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा, धोनी को कोई रिटायरमेंट की सलाह दे, ये बात समझ से परे है। वो खुद बहुत मैच्योर है और वो जानता है कि उसे क्या करना है। रिकी पॉन्टिंग ही नहीं, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी एलिस्टर कुक का बयान भी धोनी के मामले में आया। कुक ने कहा, क्रिकेट में सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत होती है वो है फिटनेस, और धोनी तो मैदान पर अपने फिटनेस के जलवे दिखाते रहते हैं। फिट है तो खेलते रहे, इसमें दिक्कत क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, गावस्कर भाई आप बहुत अनुभवी हैं, मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं, मगर उतना ही सम्मान मैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी रखता हूं, उन्हें सम्मानजनक विदाई दीजिए, ऐसी बातें करके नहीं। वहीं भारतीय पूर्व दिग्गजों ने भी गावस्कर के धोनी वाले बयान को पूरी तरह गलत बताया। इधर फैंस भी गावस्कर के बयान से नाखुश हैं, बल्कि फैंस तो पंत के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद धोनी को फिर से टीम में लेने की मांग कर रहे हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।